क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक शख्स जो देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति का करीबी हो, जिसके पास पूरे मुल्क का खजाना हो और उस खजाने की रकम 33 लाख करोड़ रुपए हो, वो एक दिन अचानक गायब हो जाए और ये पता ही ना चले कि उसे धरती निकल गई, आसमान खा गया। यकीन मानिए, ऐसा हुआ जिससे पूरे सऊदी अरब में हड़कंप मच गया है। I'm a board member in the PIF board, but my role there is totally different. And we changed the strategy. So the assets under management then was something like $150 billion. Today it's over more than $325 billion. But my role there is totally different. अरबों खरबों डॉलर के बाद चुटकियों में करने वाला ये शख्स अब लापता है, लेकिन खबर इतनी भर नहीं है कि अरबों डॉलर की बात करने वाला गुमशुदा है, बल्कि खबर इतनी बड़ी है कि आम इंसान के लिए सोचना नामुमकिन है। And we changed the strategy. So the assets under management then was something like $150 billion. जिस शख्स को आप सुन रहे हैं, इसके जिम्मे 33 लाख करोड़ रुपए हैं। सही सुना आपने, 33 लाख करोड़ रुपए। और इसके लापता होते ही 33 लाख करोड़ रुपए भी लापता हो गए हैं। नाम है यासिर अल रुमैन। यासिर अल रुमैन सऊदी राजशाही के बेहद खास हैं और सऊदी अरब के सुल्तान किंग सलमान के बेहद करीबी भी। यासिर पूरी दुनिया में सऊदी निवेश की देखरेख करते रहे हैं, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है। वो अपनी बुलाई इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। यासिर के संदिग्ध तरीके से गायब होने के चलते न सिर्फ सऊदी अरब में बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। यासिर के कंधों पर सऊदी राजशाही के करीब 450 अरब डॉलर जो करीब 33.6 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड भी कहा जाता है, इसकी जिम्मेदारी वो संभालते हैं और सऊदी शासन की तरफ से दूसरे देशों में निवेश करते हैं। मतलब साफ है, यासिर सऊदी खजाने के कर्ता धरता है। सऊदी सरकार ने दुनिया में कहां और कितना निवेश किया है, ये सिर्फ यासिर को ही पता है। अब तक यासिर निवेश फंड की रिपोर्ट सीधे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को करते रहे हैं। खास बात यह है कि यासिर के लापता होने की खबर तब फैली जब उसे अपनी सरकार की तरफ से रियाद में बुलाई गई एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करनी थी, जिसमें दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियों के मुखिया पहुंच रहे थे। लेकिन ना तो वो इस कॉन्फ्रेंस में अपना ओपनिंग रिमार्क देने के लिए ही पहुंचे और ना ही उन्होंने गोल्डमैन सैश और मनी मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ होने वाले पैनल डिस्कशन में ही शिरकत की। यासिर के गैर मौजूदगी के कारण उन निवेशकों में खलबली मच गई है जिन्होंने सऊदी में निवेश किया हुआ है। इन कंपनियों में पहले से ही चिंता है कि सऊदी राजशाही पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को अपने नियमों के तहत संचालित करती है, यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी रखना उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा है। ऐसे में यासिर के लापता होने पर उनसे जुड़ी कई अफवाहें भी सामने आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल रहने वाले 4 लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से यासिर के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। ये चारों यासिर के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि सऊदी सरकार ने इन चारों के दावे की पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।